चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पे सीटेट पर्यावरण के आज प्रैक्टिस सेट संख्या 16 के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। और कल जैसा कि हमने आपको पर्यावरण शिक्षण की नीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, उसी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं उसके आगे प्रश्न प्रश्न नंबर 31 से चर्चा करेंगे और हम आपके इस सफलता के मुकाम को और आगे की ओर लेकर के जाते हैं। तो चलिएगा साहब, प्रश्न नंबर 31 के क्रम पर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का आयोजन कुछ निश्चित उद्देश्य से किया गया। पूछ रहा है कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। एक यहां पे महत्वपूर्ण बात याद रखें, पहले प्रश्न में पहले ही आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहले प्रश्न में पहला ट्रिक कि किसी भी प्रदर्शनी, किसी भी कलाकृति, देखिए कलाकृति, कलाकृति या हस्तनिर्मित, ये शब्द आ जाए, प्रदर्शनी, कलाकृति, हस्तनिर्मित, ये शब्द आ जाए, आप एक शब्द केवल ढूंढेंगे ऑप्शन में, वह शब्द होगा सृजनात्मक शब्द। क्या ढूंढेंगे? सृजनात्मक, और ऑप्शन को चुपचाप टिक लें। बिल्कुल समझ में आया। अब हम और ऑप्शन को एक्सप्लेन, अभिभावक को संतुष्ट करना, ये साफ नकारात्मक है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, नकारात्मक बात है। व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना, प्रारंभिक स्तर का बालक क्या व्यवसाय के लिए नहीं, इतनी उसकी मानसिक परिपक्वता ही नहीं है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सभी विधियां हैं। ए कह रहा व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, बी कह रहा समस्या समाधान, सी कह रहा सहयोगात्मक अधिगम, डी कह रहा निर्देशित खोज। ये हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताए हैं। प्रश्न नंबर 32 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और उसके पश्चात हम इसका कल हम या अगली हम वीडियो में इसका आंसर हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम सरल सा प्रश्न है, अगर आप यहां पे इसके लिए कमेंट करते हैं हम आपको अगले दिन बताते हैं और भी बेहतर ट्रिक से यहां पे चर्चा होगी। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 के क्रम पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विशेषता किस पर ध्यान देना चाहिए। प्रयोग पर, दूसरा करा पुस्तकों और परीक्षाओं पर, तीसरा करा बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, डी करा अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो देखिएगा साहब, प्रयोग पर प्रारंभिक स्तर के बालक को केवल प्रयोग पर यहां पर जोर देना कहीं पर भी प्रासंगिक नहीं है। दूसरा करा पुस्तक और परीक्षा पर, तो ये बोझ की बात कर रहा है। तीसरा करा बच्चों के, या चौथा देखेंगे अभिभावक के विचार को, आप पढ़ाना आपको बालक को है कि बच्चे के माता पिता को, नहीं साहब बालक को पढ़ाना है, तो ये भी यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। सी करा बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना, अगर आप ऐसा करते हैं तो बालक प्रोत्साहित होकर के आगे सीखने के लिए और ज्यादा क्रियाशील होगा और इस आधार पर सीखा गया बालक में ज्ञान लंबे समय तक स्थायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न के क्रम पे आएंगे, प्रश्न नंबर 34 लेंगे साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी से लिया गया, एकदम बिल्कुल व्यवहारिक, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं समझने की जरूरत है। करा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास और गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए, कहां? कह रहा है इकाई के अंत में, बी कह रहा पाठ के अंत में, सी कह रहा प्रकरण में अंतःनिर्मित, डी कह रहा पुस्तक में अलग अलग स्थान पर। एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ा होगा तो एक ही पाठ में जितने पैराग्राफ, एक पैराग्राफ उसके नीचे प्रश्न और गतिविधि, फिर एक पैराग्राफ प्रश्न, कह रहा कि प्रकरण में अंतःनिर्मित मतलब पाठ के बीच बीच में होना चाहिए। देखिए सीटेट पाठ, देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि पाठ शब्द सीटेट नहीं प्रयोग करता है, सीटेट पाठ के लिए प्रकरण शब्द का प्रयोग करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है साहब। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। प्रश्न नंबर 35,
सीमा प्रत्येक पाठ को तुरंत को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पूछ रहा किस, तो देखिएगा साहब, कोई भी दो बालक आपस में एक दूसरे जैसे सोचने समझने नहीं होते, ना तो रूप रंग ढंग विशेषता चाल किसी में नहीं होते हैं, और यह बात हमारा परिभाषित करता है किसको, व्यक्तिगत भिन्नता को। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न नंबर 36 के क्रम पे, और प्रश्न नंबर 36 देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना किस प्रकार सहायता करता है। ए कह रहा शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी कह रहा सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा को सारणीकरण करता है। सी कह रहा पाठ को आनंददायी रोचक बनाना है। तीसरा कह रहा है कि स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो देखिएगा कविता और कहानी की बात कर रहा है, तो देखिएगा कविता और कहानी में हमने आपको सीधे तौर पे ये बताया हुआ था कविता और कहानी में कि कविता और कहानी शब्द का प्रयोग करना, अगर ये शब्द आ जाए तो देखिएगा एक कह रहा है कि कविता और कहानी बालक को क्या बनाती है, हमने बताया था चिंतनशील बनाती है, और चिंतनशील व्यक्ति करता क्या है। अब देखिए ये शब्द आप कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, कविता कहानी पहेली आ जाए चिंतनशील, और चिंतनशील क्या होता है, चिंतनशील व्यक्ति हमेशा वातावरण परिस्थिति में कुछ न कुछ खोजने की क्रिया करता है। सही आंसर लगा दीजिएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साहब प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। एक कह रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, सबसे प्रभावी कौन सी गतिविधि होगी। एक कह रहा है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। बी कह रहा है विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करती है। सी कह रहा संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करती है। डी कह रहा प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछती है। साहब देखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वास्तविक अवलोकन होता है। तो देखिएगा वास्तविक अवलोकन होगा कहाँ, जब आप क्षेत्र में जाके भ्रमण करेंगे तभी तो वास्तविक चीज देखेंगे। क्या घर में बैठ करके आप दुनिया देखेंगे, घर में बैठ करके दुनिया आर्टिफिशियल मल्टीमीडिया कैप्सूल मोबाइल टैबलेट इससे देखेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 37 के क्रम पे, और प्रश्न नंबर 37 38 देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बड़ा सा प्रश्न देख करके बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, जितना बड़ा प्रश्न उतना सरल और उतना छोटा उसका ट्रिक बताऊंगा आपको। कह रहा प्रयोगशीलता खोजना जांच पड़ताल प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए कि संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। पूरा चाहे जितना बड़ा लिखे कुछ नहीं करना, इसमें एक की पॉइंट छिपा हुआ है। देखिए सक्रिय अधिगम शब्द छुपा हुआ है, इस सक्रिय अधिगम को देखिएगा कि अब सक्रिय अधिगम का मतलब होता है साहब क्या, गतिविधि। सक्रिय अधिगम का मतलब होता है साहब क्या कि गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना। अब चलिए हम देखेंगे, एक कह रहा श्यामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र को बनाना, दूसरा कह रहा विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण को देना और अनिवार्य तत्व को बताना, तीसरा कह शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें, और डी कह रहा प्रकरण पर एक वीडियो को दिखाना। तो अब देखिए साहब बताएंगे आप कि किसमें गतिविधि शामिल है। श्यामपट पर भोज्य पदार्थ का चित्र बनाना शिक्षक बनाएगा, बालक तो क्या कर रहे हैं निष्क्रिय बैठे हुए हैं। दूसरा विभिन्न भोज्य पदार्थ के उदाहरण फिर शिक्षक पर जोर दे रहा है ना, ये भी नहीं होगा।
प्रकरण पर वीडियो दिखाना, वीडियो देखेगा बालक बैठा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, यहाँ भी नहीं कह रहा, सभी संभावित स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करे। इकट्ठा वो कहाँ करेगा, कक्षा में करेगा? नहीं, वातावरण परिवेश में जाएगा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करेगा और ये होगा हमारा क्रियाशीलता या गतिविधि के आधार पर किया गया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 39 पे और देखिएगा, बिल्कुल शानदार एनसीएफ 2005 से लिया गया प्रश्न है। कह रहा कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? नकारात्मक शब्द निकालना है। तो देखिएगा, कह रहा कि यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने वाले मूल्य को बढ़ावा देती। तो साहब, ये पर्यावरण शिक्षण की नीति का अनिवार्य भाग है, तो ये होता है। और ये नकारात्मक पूछा, ये सकारात्मक स्टेटमेंट है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और डी कह रहा है, शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है। साहब एकदम बिल्कुल नोट रखिएगा, एनसीएफ 2005 का स्टेटमेंट है कि पर्यावरण की विषय वस्तु कठिन शब्दावलियों, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने वाली नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन डी में कह रहा है, अधिक बल देना चाहिए। साहब इसको सीधे सीधे यही सही है और ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। ठीक है साहब, प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं और प्रश्न नंबर 40 है, देखिएगा फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविता कहानी को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। ए कह रहा है, रुचि का विकास करना। तो साहब जब यहाँ पे हमने एक शब्द बताया था कविता कहानी, तो क्या चिंतनशीलता, चिंतनशीलता शब्द कॉमन निकाल दीजिएगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि अगर कोई बालक चिंतनशील होगा तो उसमें विषय के प्रति रुचि जागृत होगी, हाँ होगी, और पूछा है नहीं। दूसरा का नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी होगा। डी कह रहा शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक, ये बिल्कुल परफेक्ट है। कह रहा आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो साहब बताइए क्या आनंद और मजा उपलब्ध कराना क्या यहाँ पे पर्यावरण में कविता कहानी का उद्देश्य होगा? नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त आज के लिए था ये आपका यहाँ पे सीटेट एनवायरमेंट का प्रैक्टिस सेट। इसके आगे की प्रश्नों के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।